इसके पहले गुंडा राज बहुत था जैसा यहाँ पे था कि लोग ऐसे ही जो राह चलते ही बोलते चले जा रहे थे, और हम लोग ये था कि हम लोग बोलेंगे किससे, क्योंकि कोई ऐसे बैठ के यहाँ सुनने वाला नहीं था। लेकिन तो ये जो अभी आया है, तो ये मुझे लगता है ये पहले से बेटर ऑप्शन है। योगी जी के राज में मैं तो यही चाहती हूँ कि हमेशा हमारे मुख्यमंत्री यही बने रहें और अयोध्या का विकास होता रहे। अयोध्या भी एक ऐसा एरिया था जहाँ पे लोग नेता और इन्हीं सब लोगों से डरा करते थे कि आप भी जो नेता हैं या जो ये कॉलेज वगैरह के लोग हैं, मत जाइए, आप कॉलेज मत जाइए, आप जाते हैं, आप काम करने जाइए, या वो ऐसा कहते हैं कि हमें कुछ काम है, तो दे रियली हेल्प अस, ये कहेंगे कि शायद पहले से लोगों का चुनाव अच्छा हो गया है। अच्छा, पहले के हिसाब से तो अब बहुत ज़्यादा सुविधा वैसी बन चुकी है योगी सरकार की वजह से, और अच्छे से अब हम लोग कहीं भी आ सकते हैं, एकदम सेफ है हम लोग यहाँ पे है। इतनी बार कोई भी मुख्यमंत्री यहाँ पे नहीं आया था, यहाँ पे सब कुछ चेंज हो रहा है अयोध्या में, बहुत अच्छा लग रहा है अयोध्या। ये मेरे हिसाब से पहले से जिस टाइम अगर देखा जाए 2018 या 17 के हिसाब से यूपी में अब लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा सेफ है, काफ़ी ज़्यादा सेफ है जी बिल्कुल। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं डर है, इसको पूरा करना चाहिए, ये मैं कहूँगी उनसे कि इसको पूरा करना चाहिए, क्योंकि अभी भी रात में या शाम में डर रहता है। आपका क्या नाम? कीर्तिका। कीर्तिका, जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे उनसे भी लड़कियों की सुरक्षा के बारे में, यूपी में क्या है सुरक्षा के इंतज़ाम? यूपी में पहले से तो ठीक है, मतलब अभी जो निकला था वो एंटी रोमियो स्क्वायर निकला था वो बहुत अच्छा गया, तो उसमें पुलिस ने जितने भी कॉलेजेस हैं वहाँ पे एक एक शक्ति परी नाम की ऐसे उपाधि दे करके एक एक कुछ कुछ लड़कियों को चूज़ किया था, कि मतलब जैसे हम ऐसा होता है कि हम हर बार अपनी समस्याएं सीधे जा करके नहीं बोल सकते पुलिस से, अपनी आइडेंटिटी एक बार जो रिवील नहीं करना चाहते हैं, तो हम उनके द्वारा अपनी आइडेंटिटी जो है रिवील ना करते हुए अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, तो ये जो है एक बहुत अच्छा वो था। तो ये मतलब योगी सरकार ने बहुत अच्छा कदम अच्छा काम किया ये। हाँ अच्छा, इससे पहले जो सरकारें थी कभी आपको लगा कि लड़कियों के लिए कुछ काम हो रहा है या लड़कियां सुरक्षित घर से महफूज निकल पा रही हैं? नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगा, क्योंकि इसके पहले गुंडा राज बहुत था जैसा यहाँ पे था कि लोग ऐसे ही जो राह चलते ही बोलते चले जा रहे थे, और हम लोग ये था कि हम लोग बोलेंगे किससे, क्योंकि कोई ऐसे बैठ के यहाँ सुनने वाला नहीं था। लेकिन तो ये जो अभी आया है, तो ये मुझे लगता है ये पहले से बेटर ऑप्शन है, योगी जी ने बेटर किया है। ईव टीजिंग जब होती थी आपके लिए, आप डरती थी कि हम बोलेंगे तो कहीं और ज्यादा? हाँ, हम बोलेंगे पता चला कि उन्हें आइडेंटिटी पता चल जाएगी, और फिर जब वही पावर में है जो अपराध कर रहे वही पावर में बैठे हैं, तो उनका तो कुछ नहीं हो सकता ना, हम ही वापस बार में वो हो जाएंगे, तो इसलिए ऐसा मुझे लगता है कि ये ज़्यादा सही ऑप्शन है, कि जब हम अपनी आइडेंटिटी ना बता पाए लेकिन अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए, तो ये एक बहुत अच्छा उनका सलूशन है। उस वक्त पेरेंट्स भी बहुत डरते होंगे आप लोग जब घर से बाहर, तो कहते थे कि तुम इग्नोर करो, लेकिन हम कब तक इग्नोर करेंगे, ये जो भी अपने इंडिया में 50-50% पॉपुलैरिटी है, तो हम कब तक इग्नोर करेंगे और कितनों को इग्नोर करेंगे, और इग्नोर करना ये सही नहीं होगा, क्योंकि इससे उनको बढ़ावा मिलेगा, वो इससे सप्रेस नहीं होंगे कभी, वो इससे और बढ़ेंगे और उनकी चीज़ें और बढ़ती जाएंगी, फिर एक के बाद वो दूसरे से आकर के बोलेंगे, और उन्हें उनका जो डर होगा वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, तो उनके अंदर डर बैठना बहुत ज़रूरी है। तो अभी वो डर है उन लोगों में? हाँ, मुझे तो लगता है कि होना चाहिए, और जिस तरीके से प्रबंध है, सुरक्षा है, वो सही है। अब हर जगह पुलिस तैनात होती है? हाँ, पुलिस लगती है, पुलिस रहती है। हाँ बिल्कुल। अब आप लोग स्कूलों में आती है, वहाँ पे आकर के वो हमें बताते हैं और जागरूक करते हैं कि आप अपनी समस्याएं ऐसे बताइए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो जिनको पता ही नहीं है कि हमें अपना सोल्यूशन ढूंढना का है, हमें पूछना किससे, हमें किससे जाके बात करनी है, हेल्पलेस महसूस करते हैं। बिल्कुल, वो हेल्पलेस महसूस करते हैं, तो ऐसा ये एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है कि स्कूल से ही जहाँ से बात शुरू हो रही है ग्राउंड लेवल पे काम करना चाहिए हमेशा। तो आप कह रहे हैं कि योगी जी ने लड़कियों के लिए काम किया? बिल्कुल, अच्छा काम किया है, तो सुरक्षित है लड़की? जी बिल्कुल। मैम, मैं अयोध्या की रहने वाली हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये मिलती है कि हमारे अयोध्या का इतना विकास हो रहा है, और जो योगी सरकार है हमारे अयोध्या का सबसे ज़्यादा ख्याल रख रहा है, और इनके आने से हमारे राम मंदिर का निर्माण हुआ है जो कि काफ़ी पहले समय तक रुका हुआ था, और जो पहले का जो प्रधानमंत्री थे इनके राज में तो अयोध्या का विकास तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन योगी जी के राज में अयोध्या में काफ़ी विकास हुआ। हमारे अयोध्या में दीपोत्सव इतने अच्छे से मनाई जाती है, हम लोग को बहुत खुशी है, हम लोग अयोध्यावासी हैं, और हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे राम मंदिर का निर्माण हो। सुरक्षा के इंतजाम है मैम? बिल्कुल है यहाँ पे, और योगी जी के राज में मैं तो यही चाहती हूँ कि हमेशा हमारे मुख्यमंत्री यही बने रहें और अयोध्या का विकास होता रहे। मैम धन्यवाद। क्या चाहती है कि योगी जी ही बने रहें मुख्यमंत्री? आपका क्या नाम? अरुणिमा। अरुणिमा, सेम सवाल आपसे, सुरक्षित हैं लड़कियाँ यूपी? आप कह सकते हैं 40%, नॉट पहले जैसा था कि हमारे साथ 10%, हम बिल्कुल बाहर जाने में हमारे साथ ये रहता था कि अगर हम दोपहर में भी निकल रहे हैं, बट ये है कि 20% और 30% इट्स इंक्रीज्ड। इंक्रीज हुआ? बिल्कुल। किसकी बदौलत? ये आप कह सकते हैं योगी सरकार में ये बढ़ा है, आफ्टर दैट रोमियो स्क्वाड वगैरह लोगों में थोड़ा सा डर आया है,
लेकिन अब उतना डर धीरे धीरे कम हो गया क्योंकि वो एक्टिविस्ट कम हो गए, जो रोमियो स्क्वाड के लिए काम करते थे वो एक्टिविस्ट कम हो गए, कई तो कुछ रोमियो स्क्वाड में ही मिलते थे। लेकिन ये है कि अब आप कह सकते हैं कि हाँ हम थोड़े से आगे बढ़ गए हैं, जो हमारी मेंटालिटी थी, हमारे पेरेंट्स भी कहते हैं हाँ हम मान सकते हैं आप यहाँ यहाँ जाइए, मना नहीं करते। अयोध्या भी एक ऐसा एरिया था जहाँ पे लोग नेता और इन्हीं सब लोगों से डरा करते थे कि आप भी जो नेता हैं या जो ये कॉलेज वगैरह के लोग हैं मत जाइए, आप कॉलेज मत जाइए, हम जहाँ मत पढ़ना है, जो हमारा बेसिक वो है हम उसी के लिए हमें मना कर दिया जाता था कि आप बाहर मत जाइए। बट नाउ इट्स क्वाइट बेटर देन पास्ट, बिल्कुल काफ़ी बेहतर है, हम कैसे बहुत सही है। हम अपने कॉलेजेस में जाते हैं तो ये रहता है कि उनको किसी एक किसी गवर्नेंस के अंदर रखा गया है, बांधा गया है, तो जो पीपल्स जो नेता हैं या किसी तरह के एरिया में गवर्नेंस में हैं उनके पास कोई किसी पद पर बैठे उनको पे किसी तरह का एक तरह का बंदिश लगी है, अब वो बंदिश काफ़ी अच्छी है। वो योगी सरकार ने किया है, काफ़ी कुछ किया है, ऐसा कह सकते हैं कि आप योगी सरकार आने के बाद वो बंदिश लगी है जो कि शायद होनी चाहिए थी पहले। नेताओं का डर हुआ करता था कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाएगा, नेता है मतलब आप ये कह के नहीं जा सकते कि नेता है दे हेल्प अस, बिल्कुल नहीं, आपको ये उल्टा डर हो जाएगा कि बींग अ गर्ल आप उनके पास जाएंगे तो यू कैन बी रेप्ड, यू कैन बी मोलेस्टेड, हैरेस्ड, एनीथिंग एल्स, रादर देन आपका काम तो बिल्कुल नहीं होगा, आपको उस चीज़ की ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी जो आप सोच भी नहीं सकते। अभी जो सरकार है और अभी जिस सरकार के नेता यहाँ पर मौजूद हैं उन लोगों की तरफ से आपको कभी ऐसा महसूस हुआ? नहीं, इधर वो चीज़ें बहुत कम हो गई। आप जाते हैं, आप काम करने जाइए या वो ऐसा कहते हैं कि हमें कुछ काम है तो दे रियली हेल्प अस, ये कहेंगे कि शायद पहले से लोगों का चुनाव अच्छा हो गया है, अच्छे लोग चुन लिए गए हमारे कॉलेजेस में ही। हम ये अगर 10 लोग हैं तो हम कह सकते हैं कि इसमें से 6 लोग अच्छे हैं, 6 लोग अच्छे हैं, 4 अभी भी वो है कि जहाँ अच्छाई वहाँ बुराई रहेगी, तो वो जो 10 लोग हैं उसमें से 6 लोग अच्छे हैं और 4 नहीं हैं। ये तो इक्वल तो कहीं भी नहीं हो सकता। तो आप कह रही हैं कि लड़कियाँ मानती हैं कि सेफ्टी मिली है, लेकिन ये कह सकते हैं कि 6:30 के बाद या ऐसा कोई टाइम आता है जैसे जहाँ पे सूरज ढलने लगता है तो तब भी थोड़ा थोड़ा डर बढ़ जाता है। बी अगर मैं पहले मैं बाहर निकलती हूँ, मैं पोइटिस, मैं राइटर, मैं पढ़ाती भी हूँ, तो मुझे अपनी क्लासेस पहले करनी पड़ती थी कि मैं सूरज ढले उससे पहले मैं भी पहुंच जाऊं, मेरी गर्ल स्टूडेंट्स भी पहुंच जाएं घर। लेकिन नाउ मैं 7:30-8 लेकिन ईजिली मैं अपने बच्चों को पढ़ा के भेज देती हूं और मैं खुद भी निकल पाती हूं। तो मतलब ये फ्रीडम आपको मिल गया है? फ्रीडम मिली है। लड़कियां आप आज़ाद महसूस करती हैं? बिल्कुल, काफ़ी आज़ाद महसूस करती हूं। थैंक यू। आपका क्या नाम है? निकिता शुक्ला। निकिता जी, जैसे यूपी में बात होती है कि लड़कियाँ सुरक्षित नहीं थी पहले, अभी क्या सुरक्षित हैं लड़कियाँ? हाँ ठीक है, अपने हिसाब से हम क्या बोले, सही है अभी। हाँ ठीक ठाक है, जैसे पहले थी अभी है लेकिन ज़्यादा नहीं। आपका क्या? अवंतिका सिंह। आपको क्या लगता है लड़कियाँ सुरक्षित हैं यूपी में? बिल्कुल, इस समय मेरा मानना है पहले के हिसाब से तो अब बहुत ज़्यादा सुविधा वैसी बन चुकी है योगी सरकार की वजह से, जिससे लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा सेफ है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों ने कह सकते हैं आपने संगठन बना दिए हैं, फिर उसके बाद से काफ़ी ऐसे नंबर्स उन्होंने दे दिए गर्ल्स के लिए जो पर्सनल उनको हेल्प करती है, ना पब्लिक का डर रहता है फिर उससे कि बात लीक होने का भी डर नहीं रहता, जैसे 1090 हो गया और भी ऐसे बहुत सारे नंबर पिंक बूथ बनाए गए हैं हर जगह पर लड़कियों की यूपी में, अलग अलग जगह पर आपने देखे होंगे, तो वो हेल्पफुल है? बिल्कुल हेल्पफुल है, क्यों नहीं, जब बनाया गया तो बिल्कुल मैम हेल्पफुल है। ये मेरा हिसाब है पहले से, जिस टाइम अगर देखा जाए 2018 या 17 के हिसाब से यूपी में अब लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा सेफ है, काफ़ी ज़्यादा सेफ है। योगी जी ही बने रहे हैं मुख्यमंत्री, तो काफ़ी लड़कियां यहां पर हैं, इनसे हम पूछते हुए चलेंगे। एक मिनट भैया, आप मुझे बताइए अभी सुरक्षित महसूस करती हैं आप? बहुत बहुत जी, पहले के हिसाब से ज़्यादा, बहुत अच्छे से, अब हम लोग कहीं भी आ सकते हैं, एकदम सेफ है हम लोग जी। आप घर से बाहर निकलती हैं निडर होके? आराम से एकदम। वाले भेज देते हैं? भेज देते हैं, नहीं नहीं पहले नहीं है अब जी। बहुत अच्छा लग रहा है योगी जी सरकार में आ गए हैं, जैसे यहाँ पे है इतनी बार कोई भी मुख्यमंत्री यहाँ पे नहीं आया था, यहाँ पे सब कुछ चेंज हो रहा है अयोध्या में, बहुत अच्छा लग रहा है अयोध्या। सुरक्षा की क्या इंतज़ाम है? सुरक्षा के लिए सब कुछ अच्छा ही है, जैसे कि अब यहाँ पे है देर में हम लोग यहाँ से 8-9 बजे जा सकते हैं लेट में, तो कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों के लिए, घर से अकेले आ जा सकते हैं। पेरेंट्स अलाउड कर देते? हाँ हाँ बिल्कुल, पहले नहीं किया जी, नहीं पहले नहीं। आराध्या सिंह।
अच्छा राधिया, यूपी में पहले कहा जाता था कि लड़कियां सुरक्षित नहीं है, बहुत ज्यादा छेड़खानी होती थी, अभी ऐसा माहौल है कह सकते हैं? हाँ काफी कम हुआ, लेकिन है अभी वैसे ही, ये शिकायत है कि हाँ है अभी भी जी। अच्छा तो ये जो कम हुआ है वो योगी सरकार में ही हुआ है या इससे पहले कम हुआ? नहीं, योगी सरकार में ही कम हुआ ये तो मैं कहूँगी जी, यानी कि योगी जी ने कड़ी कार्रवाई की है। हाँ बिल्कुल, लड़कियों को सुरक्षा देने के लिए योगी जी कड़ी कार्रवाई जी। आप लोग जब घर से बाहर निकलती है सुरक्षित महसूस करती है? जी बिल्कुल, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं डर है, इसको पूरा करना चाहिए, ये मैं कहूँगी उनसे कि इसको पूरा करना चाहिए, क्योंकि अभी भी रात में या शाम में डर रहता है जी। तो देखिए लड़कियों का यहाँ पर ये कहना है कि पहले जब सूरज ढलने लगता था तो हमें डर लगता था घर से बाहर निकलने में, हम सोचते थे कि हम जाएं या नहीं जाएं, पेरेंट्स भी मना करते थे, लेकिन जब से योगी सरकार आई है तब से सूरज ढलने के बाद चाहे 8 बज जाए चाहे 8:30 बज जाए लड़कियाँ निडर होकर घर से बाहर निकलती हैं, अपना काम भी करती हैं, कॉलेज भी जाती हैं, पढ़ाती भी हैं बच्चों को।